हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम RBS। अपनी एक्सरसाइज 9.2 रनिंग है, जिसके क्वेश्चन हम 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम इसके जितने भी ये क्वेश्चन हैं लास्ट के बचे हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, है ना, सारे के सारे। तो इनको अच्छे से समझ के करेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना, कई बार पूछ लिए जाते हैं। खासकर जो ये 9th वाला क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, जो 9th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइन पॉइंट 11, 9 एंड 1, 2। एक वही लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, एक साइड के कोऑर्डिनेट हैं 11 और 9 और दूसरी साइड के कोऑर्डिनेट हैं 1 एंड 2। अब हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं, यानी उन पॉइंट के क्या फाइंड करने हैं, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो उस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि थ्री इक्वल पार्ट में उस लाइन को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये एक लाइन है, ए एंड बी, ठीक है। ट्राइसेक्शन यानी कि थ्री इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक का मतलब क्या है, थ्री इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है। तो देखो, वन पार्ट, टू एंड थ्री पार्ट, ये पार्ट हो गए वन पार्ट, टू एंड थ्री। तो ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू। तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और A और B के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। तो देखो, A के कोऑर्डिनेट हैं 11 एंड 9 और B के कोऑर्डिनेट हमें गिवन हैं 1 एंड 2, ठीक है। अब हमें P के और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखो, P और Q, जब भी हमें जो पॉइंट उसे टू इक्वल पार्टों में या डिफरेंट पार्टों में, जो भी पॉइंट उन्हें क्या करता है, डिवाइड करता है ना टू पार्टों में, तो हमें उनके रेशो गिवन होते हैं। क्या गिवन होते हैं, रेशो। तो रेशो गिवन होते हैं तब हम क्या कर लेते हैं, उन पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं। अपने पास फॉर्मूला है एक्स और वाई वाला, उससे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ हमें रेशो नहीं गिवन है और ना ही हमें पॉइंट गिवन है, तो हमें रेशो खुद को बनाने होंगे, सोच के समझ गए कि हर एक पॉइंट के रेशो क्या होंगे। देखो, मैं आप लोगों को इधर समझाता हूं कि रेशो कैसे फाइंड करेंगे। ये एक लाइन है, ठीक है। मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर की है, कितने की है, 3 सेंटीमीटर की, कितने की है ये लाइन, 3 सेंटीमीटर की, और इसके 3 पार्ट हो रहे हैं, ट्राइसेक यानी कि 3 पार्ट और जो भी इक्वल, ठीक है। तो देखो, ये 1 पार्ट, ये 2 और ये 3। भाई 3 सेंटीमीटर की एक लाइन और उसके 3 इक्वल पार्ट करेंगे तो एक कितने का होगा, एक 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, सभी 1 सेंटीमीटर के होंगे। अब मैं पूछता हूं, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ठीक है। अब मैं पूछता हूं, इस पॉइंट P इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रही है। तो देखो, किस रेशो में डिवाइड कर रही है, इधर वाला पार्ट कितना है, 1, और इस P के इधर, यहां तक नहीं, यहां से यहां तक। देखो, A, P और B, तो एक बार तो AP रेशो BP, तो AP का रेशो कितना है, 1, और P से और B का रेशो कितना होगा, 1+1, 2। तो P जो है इस लाइन को कितने रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 1:2 में। ऐसे ही बात करते हैं हम Q की, किसकी बात कर रहे हैं, Q की। तो देखो, Q यानी कि A से लेकर और Q तक कितने पार्ट हैं, 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2, और इधर कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो 2:1 में कर रहा है। आई बात समझ में। तो जितने इधर पार्ट हैं और जितने उधर पार्ट हैं, तो वो उन रेशो होता क्या है, यही होता है
कि ये उसे कितने रेशो में, तो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो 1:2 सेंटीमीटर, क्यों 2 इधर है और 1 इधर है, तो 2:1, ये तो है 3। अगर 3 की जगह होता क्या 4 इक्वल पार्टों में, ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को 4 इक्वल पार्टों का भी बताता हूं। ये एक लाइन 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट है, पॉइंट है अपने पास पी क्यू और आर, इन सब के हमें रेशो बताने हैं, ठीक है। रेशो कुछ भी गिवन नहीं है, केवल ये गिवन है कि एक लाइन है और 3 पॉइंटों ने इक्वली पार्ट 4 पार्टों में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो रेशो बताओ। देखो पी का रेशो क्या होगा, इधर कितने पार्ट हैं 1 और इधर 1, 2, 3, तो 1:3। क्यू कितने में कर रहा है, देखो इधर कितने हैं 1, 2, 2, इधर कितने हैं 1, 2, तो 2:2 है, तो 2 से डिवाइड चला जाएगा तो 1:1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1:1 भाई, 2:2 में 2 से डिवाइड देने पर 1:1 आ जाएगा। आर क्या होगा, देखो 1, 2, 3, 3:1, ठीक है। अगर ये 4 की जगह 5 पार्ट होते, कितने होते 5 पार्ट, ये और इतना बढ़ जाता है, ये पी क्यू आर और ये कितना हो जाता एस, कितना हो जाता एस। अब देखो पी का रेशो क्या होता 1:1, 2, 3, 4, 1:4, क्यू के कितने होते 1 और 2, देखो एक एक बढ़ता जाएगा, इसमें तो बढ़ता जाएगा और इसमें घटता चला जाएगा, ये तो हो जाएगा 2:3, अब ये हो जाएगा 3:2 और अब ये हो जाएगा 4:1। देखो इधर कितना पार्ट है पी के 1 और इधर 1, 2, 3, 4, तो 1:4। अब देखो क्यू के इधर कितना पार्ट है 1 और 2, तो 2 और इधर 1, 2, 3, 2:3। ऐसे ही आर है और ऐसे ही एस के है, ठीक है। तो एक लाइन को अगर इक्वली पार्टों में डिवाइड है और हमें रेशो नहीं गिवन है, तो रेशो हम अपने उससे पता ही लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है, कैसे लगाएंगे ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब चाहे किसी भी लाइन को वो ट्राइसेक करे या फोर्थ टाइम करे, चाहे फिफ्थ टाइम करे, चाहे सिक्स टाइम करे, सबके रेशो आपको फाइंड करना आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर इक्वली वो ट्राइसेक का मतलब क्या होता है, इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूं, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखो पहले हम बात करते हैं किसकी, पी की, किसकी बात करते हैं पी की। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, यहां तो रेशो लिख लेंगे 2:1, यानी कि m1 और m2 और यहां होगा 2:1, ये इसके लिए m1 है और ये इसके लिए m2 है। अब हम p के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, यानी कि x और y, ठीक है। तो क्या फाइंड करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p फाइंड करते हैं, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू m1 x2। तो देखो m, देखो ये तो है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ठीक है। तो m1 गुना में x2, तो 1 multiply by 1 प्लस m2 multiply by x1, तो ये हो जाएगा 2 into 11 22 अपॉन m1 plus m2 1 plus 2 3, तो 23/3। ये क्या आ गए, x के कोऑर्डिनेट आ गए p के लिए। अब हम बात करते हैं y की, तो वही m1 into y2, तो हो जाएगा 2 प्लस m2 into y2, तो 9 into 2 18, सही है ना। देखो m1 का मल्टीप्लाई x2 से 2, फिर m2 का मल्टीप्लाई मतलब y2 से किया 1 का, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, तो 9 2 जा 18 अपॉन 3,
तो ये हो जाएगा 20/3। तो P के कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास, कितने आ गए 23/3 और 20/3। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो लाइन को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो वे हमने पॉइंट क्या क्या लेट कर लिए, P और Q लेट कर लिए। तो अपने पास एक के कोऑर्डिनेट तो आ गए कितने, ये आ गए। अब हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ Q। ठीक है, वही x से ही सेम फॉर्मूला है, बस अब रेशो क्या आएंगे, ये वाले रेशो। m1 तो है 2, m इसका मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, m1 का मल्टीप्लाई x2 से, तो 2 × 1 = 2 प्लस m2 × x1, तो ये हो जाएगा 11, वही अपॉन में 3, तो 13/3। अब फाइंड करेंगे y, तो m1 इंटू में y2, तो 2 × 2 = 4 प्लस m1 × 9/3, तो इसके भी कितने आ गए 13/3। तो Q के कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए 13/3 और 13/3। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर किसी लाइन को ऐसे आ जाता है कि ट्राइसेक्ट हो रहा है या इक्वली टू पार्टों में डिवाइड होता है, तो आप लोगों को पता है रेशो वन होता है। ठीक है ना, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो एक पॉइंट के 2:1 और एक के 1:2, पहले वाले के तो 1:2, सेकेंड वाले के 2:1। एक लाइन खींच के उसे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट किस रेशो में उस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हो चुका है 9 अपना कंप्लीट। पॉइंट फाइंड करने थे पी और क्यू, यानी कि ऐसे पॉइंट जो लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हो। तो ये वो पॉइंट हैं हम पी और क्यू, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, तो दोनों के कोऑर्डिनेट हमने एक्स और वाई की हेल्प से फाइंड कर लिए। ठीक है, और ये लिख लिया करो, है ना, कि लेट पॉइंट पी एंड, मतलब लेट पी एंड क्यू है ना पॉइंट है, फिर 1:2:1 उनके क्या हैं, इस रेशो में उन्हें वो डिवाइड कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, उसमें भी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्वार्टर सेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्वार्टर सेक्ट, जैसे ट्राइसेक्ट का मतलब 3 पार्ट होता है, क्वार्टर सेक्ट का मतलब होता है 4 पार्ट। ठीक है, तो अब एक लाइन को 4 पार्टों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसमें भी हमें क्या करना है, उन सबके क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो 3 पॉइंट आएंगे बीच में, तो उन 3 पॉइंट के क्या फाइंड करने हैं, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो ऐसे ही एक लाइन है ए बी क्वार्टर सेक्ट, यानी कि 4 इक्वल पार्ट, तो 1, 2, 3 ये 4 इक्वल पार्टों में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। ठीक है, पॉइंट ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी क्यू और आर। ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, ए है अपने पास -4 और 0 और बी है अपने पास 0 और 6। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया कि पी का रेशो क्या होगा, की का क्यू का रेशो क्या होगा और आर का रेशो क्या होगा। एक बार फिर से बताता हूं, देखो मान लेते हैं ये एक 4 सेंटीमीटर की क्या है, लाइन है,
ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। ये अपने पास ए और बी हैं जिनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। हमें किसके फाइंड करने हैं? पी, क्यू और आर के। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए रेशो का होना जरूरी है। तो देखो हमें पता है ये इधर है 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3 सेंटीमीटर। भाई ये इक्वल पार्ट है 1 1 1 1, तो 1 सेंटीमीटर रेशो 1+1+1 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1:3। ऐसे ही इसके देखो इधर कितने पार्ट हैं? 2, 1+1 2 और इधर है 1+2। तो 2:2 है तो उसे हम कैसे लिखेंगे? 1:1 से। यानी ये इक्वली टू पार्टों में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ जब भी कोई भी एक पॉइंट इक्वली टू पार्टों में किसी लाइन को डिवाइड करता है तो उसके रेशो 1:1 होते हैं, है ना। अब है आर, तो आर क्या होगा? 1+1+1 3:1। ठीक है, तो जितने पार्ट इधर हैं उसका रेशो और प्लस जितने पार्ट इधर हैं वो उसका रेशो। तो 1 पार्ट है तो 1 और इधर 3 पार्ट हैं तो 3। इधर 2 और 2 हैं तो ये 1:1 हो जाएगा। इधर आर के 3 पार्ट हैं और आर के इधर है 1 पार्ट, तो 3:1। तो रेशो क्या आ गया अपने पास? पी का रेशो तो आ गया 1:3, क्यू का रेशो आ गया 1:1 और आर का रेशो आ गया 3:1। तो अब x और y लेते हैं p के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ p x एंड y, ठीक है। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है? सिंपल सा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में फाइंड किए थे ऐसे x और y p है तो हमें क्या फाइंड करते हैं? p के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। वही सेम फॉर्मूला है, ये मैं मिटा देता हूँ, इसे तो समझाने के लिए लिखा है। सेम फॉर्मूला है, x के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x के लिए m1 x2+m2 x1/m1+m2, ठीक है। तो x निकालेंगे p के लिए, ना ऊपर लिख देंगे ना के कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो m, अब यहां ये तो है m1 और ये है m2, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ठीक है। ऐसे नाम जरूर रख लिया करो ताकि फॉर्मूले में पुट करते वक्त कोई भी गड़बड़ ना हो। अगर ऐसे नाम नहीं रखोगे तो गड़बड़ होने के चांस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं ना। कई बार x1 की जगह x2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 की जगह x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, कभी x की जगह y की वैल्यू पुट हो जाती है। तो इसीलिए लिख लिया करो कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 है और ये m2 है। फिर सब कुछ सिंपल है, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। m1 into x2, 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो क्या आएगा? 0, तो ये तो खत्म हो गया 0। फिर है m2 multiply x1, तो 3 multiply by -4, तो 3 into 4 12 - 12 अपॉन में m1 plus m2, तो 1 plus 3 4, तो आ जाएगा नेगेटिव का 3। x की वैल्यू क्या आ गई? -3। अब है y, क्या है y? सेम फॉर्मूला m1 into y2, तो 1 into 6 6। फिर है m2 multiply by y1, तो 3 multiply by 0 0, क्या हो जाएगा? 0। तो इसको हम 2 से डिवाइड देते हैं तो ये हो जाएगा 3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या आ चुके हैं? 6/-3 and 3/2।
ये आ चुके हैं अपने पास कोऑर्डिनेट किसके, पी के। ठीक है, अब ऐसे ही हम किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके भी हम एक्स और वाई से लेट कर लेते हैं ना, चाहो तो हर किसी के लिए अलग अलग वैल्यू नया क्या कर सकते हो, इनके नाम रख सकते हो। जैसे हमने यहाँ एक्स और वाई पुट किया, तो यहाँ आप इनको एक्स थ्री वाई थ्री पुट कर सकते हो, क्योंकि एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो हमने ये लेट कर रखे हैं, तो इसे एक्स थ्री वाई थ्री, इसे एक्स फोर वाई फोर से, या फिर हमेशा ऐसे लिख दिया करो कि किसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हो, तो एक्स और वाई से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्यू के लिए एक्स और वाई वैल्यू फाइंड करना बिल्कुल ईजी है, क्योंकि रेशो क्या है, वन रेशो वन है, तो किसी का मल्टीप्लाई किसी से करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही क्या हो जाएगा, एम वन का मल्टीप्लाई एक्स टू से होता है ना, तो एक्स टू प्लस में एक्स वन, तो एक्स टू जीरो प्लस में एक्स वन, तो माइनस फोर अपॉन में फोर, माइनस फोर अपॉन में फोर, तो आएगा माइनस का वन। आई बात समझ में, कैसे आया, देखो एम वन का मल्टीप्लाई एक्स टू से तो जीरो हो जाएगा, एम वन का मल्टीप्लाई एक्स वन से तो माइनस फोर अपॉन में, सॉरी वन प्लस वन टू आएगा, नीचे कितना आएगा टू, क्योंकि एम वन और एम टू वन प्लस वन है ना, तो नीचे आएगा टू, तो टू से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस के टू, कितना आएगा माइनस के टू, ये आ गया एक्स किसके लिए, क्यू के लिए। अब है वाई, तो वाई भी सेम है, एम वन का मल्टीप्लाई, ये एम वन है ना, किससे, वाई टू से, यानी कि सिक्स, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो, तो सिक्स अपॉन में टू थ्री, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू अपने पास आ गए माइनस टू एंड थ्री, कितने आ गए माइनस टू एंड थ्री, कैसे, देखो एम वन का मल्टीप्लाई वाई टू से, तो वन का मल्टीप्लाई सिक्स से करेंगे तो सिक्स, फिर वन का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो जीरो, तो सिक्स अपॉन में टू थ्री आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं आर के लिए, तो ये आर के लिए एम वन और ये आर के लिए एम टू, कोऑर्डिनेट ऑफ आर एक्स, एम वन मल्टीप्लाई एक्स टू, तो ये थ्री मल्टीप्लाई जीरो तो जीरो, प्लस एम टू मल्टीप्लाई एक्स वन यानी कि माइनस फोर अपॉन में फोर, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के वन। वाई, एम वन मल्टीप्लाई वाई टू, तो सिक्स थ्री जा एटीन, और इसका मल्टीप्लाई होगा जीरो से तो जीरो अपॉन में फोर, तो टू से आएगा नाइन अपॉन में टू, तो कोऑर्डिनेट आ गए आर के माइनस वन एंड नाइन अपॉन टू। तो क्वेश्चन नंबर टेन में हमें जो तीन पॉइंट थे उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे वो हमने फाइंड कर चुके हैं। देखो अपने पास पी के कोऑर्डिनेट आए माइनस थ्री एंड थ्री अपॉन टू, क्यू के कोऑर्डिनेट हैं माइनस टू एंड थ्री, और लास्ट में आर के कोऑर्डिनेट हैं माइनस वन एंड नाइन अपॉन में टू। ठीक है, तो देखो इस बुक में आपके फोर पॉइंट तक ही हैं, अगर आगे भी होते फाइव के सिक्स के सेवन के तो आप इजीली कर लोगे, अब तो समझ में आ गया होगा है ना, बस क्या करना है, हमें रेशो बताने हैं कि किस हिसाब से क्या आएंगे, रेशो को हम इनमें क्या करेंगे, बताएंगे कि P के लिए रेशो क्या होगा, Q के लिए रेशो क्या होगा, R के लिए रेशो क्या होगा। ठीक है, तो P, Q और R या फिर और भी आगे पॉइंट हैं उनके रेशो पुट कर लेना, और फिर X और Y की वैल्यू जैसे अब तक फाइंड करते आए ऐसे ही फाइंड करनी है, बस एक ही क्वेश्चन में हमें दो बार या तीन बार या चार बार फाइंड करनी होगी। ठीक है, फोर टाइम, जैसे इसमें हमने थ्री टाइम फाइंड की, जैसे मान लो ये P और Q पॉइंट नहीं होते, केवल ये P पॉइंट होता और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो सिंपल सी बात है, समझो पहली, जब सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करो तो समझ लो ये दो पॉइंट नहीं है, केवल पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने रेशो के बने,
ठीक है, जब इसके सॉल्व हो जाए फिर समझ लो पी पॉइंट नहीं है, केवल क्यू पॉइंट है। इसके रेशो गिवन है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे एक्स और वाई वाले फॉर्मूले से। फिर इसको निकालो तो समझ लेना ये नहीं है, केवल ये है और हमें रेशो गिवन है 3:1, तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम क्या कर सकते हैं, कितने ही हो, जैसे हमें तो इसमें ट्राइसेक्ट और क्वार्टर में ही गिवन है, अगर और आगे होता ना फिफ्थ टाइम या सिक्स टाइम या सेवन टाइम, तो हम सबको इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, है ना। तो अपने 9th और 10th क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे दोनों के दोनों सॉल्व हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।